नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं आया हूँ जलियांवाला बाग। और ये जो जगह है ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है, स्वर्ण मंदिर के पास में ये जगह पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर जनरल डायर ने अपने अंग्रेजी फौजों के साथ निहत्थे लोगों पर गोलियाँ बरसा दी थी, जिसके कारण सैकड़ों लोग उसमें मारे गए थे। बूढ़े बच्चे, जवान मासूम बच्चे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये वही जगह है जहाँ पर जनरल डायर ने गोलियां बरसाई थी निहत्थे लोगों को। तो चलिए आपको आगे चल के दिखाते हैं ये जलियांवाला बाग कैसा है। ये उनके स्मृति भवन में ये सब जगह बनाया गया है उनकी याद में। और इसी जगह पर जब अंग्रेजी हुकूमत हुआ करता था तो यहाँ पर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा के बहुत लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये जलियांवाला बाग मेमोरियल है। और जो लोग जनरल डायर की फौज से मारे गए थे उन्हीं की याद में ये सब बनाया गया है। तो आइए आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाते हैं ये पूरा कैसा है ये जलियांवाला बाग। बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों कि कोई ऐसा भी दुनिया में कोई शख्स होता था कि निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा के सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कभी किसी ज़माने में ऐसे लोग भी हुआ करते थे, जिसकी वजह से उन्हीं की याद में ये सब जगह बनाया गया है ये जलियांवाला बाग। ये जो जगह है ये एक अंग्रेजी हुकूमत का गवाह रहा है। और सोचने वाली बात है कि जब यहाँ पर इतनी की तादाद में जब सैकड़ों गोलियाँ चली होंगी, सैकड़ों लाशें गिरी होंगी, तो कैसा इस जगह मतलब रहा होगा। पूरी तरह से एकदम एक खून की नदियाँ जैसा ये सब जगह हो गया होगा। तो यही सामने ये मेमोरियल है और आइए आपको पास से दिखाते हैं। यहाँ से इस जगह को बंद कर दिया गया है, वरना लोग पास से जाते हैं और पास से इस मेमोरियल को देखते हैं। तो जलियांवाला बाग में उस कांड में जितने लोग भी मारे गए थे उन्हीं की याद में ये सब बनाया गया है। तो यही वो जगह है जहाँ पर जनरल डायर ने बहुत लोगों को अपनी गोलियों से मारकर उनको बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो उन्हीं की याद में ये बनाया गया स्मृति भवन है। तो आप लोग जब कभी भी पंजाब में आइए तो पंजाब के अमृतसर में अगर आप स्वर्ण मंदिर देखते हैं तो स्वर्ण मंदिर के साथ साथ आप इस जलियांवाला बाग को भी ज़रूर देखिए कि कैसे उस ज़माने में किसी सनकी जनरल डायर ने लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। और उनमें बहुत सोचने वाली बात है कि उसमें छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए थे। और मुझे लगता है कि किसी बच्चे को मारना ये कहां तक सही है। लेकिन उस ज़माने में कोई ऐसा क्रूर भी व्यक्ति था जिसके कारण उसने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा के उनको मौत के घाट उतार दिया था। तो यही है जलियांवाला बाग। यहाँ पर आने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, ये सब निःशुल्क है और आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। जो लोग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर आते हैं देखने के लिए तो वो लोग जलियां बाग जरूर देखने जरूर आते हैं। और ये जो जलियांवाला बाग है ये स्वर्ण मंदिर से सटा हुआ है। तो आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं आगे क्या है। आइए दोस्तों, आपको ये कुआं दिखाते हैं जिसमें उस समय जनरल डायर के खौफ से बहुत सारे लोग इस कुएं में भी
कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए, और यही वो कुआं है। खड़े रह रहे हो तो थोड़ा पीछे हो रहा करो लेडीज के सामने। तो इसमें जान जाने यही वो कुआं है दोस्तों, जिसमें जनरल डायर के खौफ से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इसी कुएं में कूद गए थे। हालांकि इसको पूरी तरह से इसको घेर दिया गया है ताकि कोई इस पर खतरा ना हो, और आप जब भी आएंगे तो इसे आप बाहर से ही देख सकते हैं, पूरा ग्लास से इसको बंद कर दिया गया है। तो आज भी ये कुआं जो है आपको देखने को मिल जाएगा, और किसी ज़माने में इस कुएँ से भी सैकड़ों लाश मिले थे। तो ये जो जलियांवाला बाग है, यहाँ पर उस ज़माने में ऐसे ही लोग अपना बैठ के अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर को जब पता चला तो वो यहाँ पर आया और निहत्थे लोगों पर गोलियाँ बरसा के बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये मेमोरियल है, आप लोग जब कभी भी अमृतसर में आइए तो ऐसे जगहों पर ज़रूर आइए, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल महादेव सफर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।